Beep, beep, beep दोस्तों आज हम आपको मिलवाएंगे एक पागल से अब आप सोच रहे होंगे कि पागलों का भी वीडियो करते हैं क्या आप करते हैं हम पागलों का भी वीडियो करते हैं दोस्तों पागलों से मिलवाना आपको ज़रूरी है क्योंकि इस धरती पर कुछ अनोखा करने के लिए पागल बनना ही पड़ता है सुकरात भी जब आए इस धरती पर कुछ बदलने को तो लोगों ने उन्हें भी पागल कहा ईसा मसीह को भी पागल कहा चंद्रशेखर आज़ाद को भी पागल कहा भगत सिंह को भी पागल कहा ऐसे ही एक पागल से मिलवा रहा हूँ मैं आपको और ये पागल है बलिया का बलिया से निकलना निकलने वाला ये जो पागल है इसके कारनामे यदि आप सुनेंगे दोस्तों तो आप चौंक जाएंगे इसलिए क्योंकि जिस उम्र में इसको एक अच्छी पढ़ाई पढ़ने चाहिए या फिर सुंदर सुंदर लड़कियों से चैट करना चाहिए लेकिन ये कर रहा है पागलपन अब पागलपन क्या कर रहा है पागलपन ये कर रहा है कि इसने एक संस्था खोली है जिसका नाम है सारथी सेवा संस्थान और ये इसके माध्यम से जनसेवा कर रहा है पागल कहीं के जिस उम्र में इसको क्रिकेट खेलना चाहिए वॉलीबॉल खेलना चाहिए उस उम्र में ये जगह जगह जा कर के पौधे लगाता है पागल कहेंगे। जिस उम्र में इसको अपने घर को इंजॉय करना चाहिए मोबाइल को लेकर के रील को स्क्रॉल करना चाहिए उस उम्र में ये बीड़ा उठा लेता है बलिया के स्वास्थ्य विभाग को सुधारने का पागल कहेंगे इसको नहीं मालूम है कि इस पागलपन का नतीजा क्या होगा लेकिन हम आपको बताते चले दोस्तों की पागलपन का नतीजा क्या निकला है आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज से आठ से दस दिन पहले ये लड़का बलिया की स्वास्थ्य की सेवाएं जो बदहाल हैं उसके विरोध में बैठा हुआ था बलिया के डी ऑफिस के आसपास धरने पर और तीन दिन तक इस भीषण गर्मी में इसने पानी भी नहीं पिया और खाना भी नहीं खाया ये बात बहुत सारे लोग जानते भी होंगे हमारे पुराने दर्शक जो जान, हैं वो जानते भी होंगे क्योंकि वीडियो हमने इनका दिया था हम आज का जो वीडियो बना रहे हैं दोस्तों उसका उद्देश्य ये है कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि किन किन परिस्थितियों में इसने उस धरने को अंजाम दिया और इसका रिजल्ट क्या आया रिजल्ट ये आया दोस्तों कि ब्रजेश पाठक को खुद बलिया आकर के इस बात को स्वीकार करना पड़ा कि बलिया में मेडिकल कॉलेज खुलेगा आज नहीं तो कल खुलेगा और निश्चित रूप से हम आपको टाइम दे देते हैं और आप अपना अनशन खत्म करिए हम सिर्फ एक बात इनसे पूछना चाहेंगे कि जब बलिया से इनको अचानक रात में पुलिस उठा ले गई उस समय क्या हुआ सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने अपना कीमती समय दिया है और आपके दर्शकों को भी मेरा सादर प्रणाम है जब बलिया से पुलिस हमको रात कर राद को रात को लेकर के आई लगभग साढ़े बारह बजे तो ला करके मुझे थोड़ी देर तक कोतवाली रसना में रखा गया उसके बाद से मुझे एडमिट कराया गया एडमिट कराने का मतलब कि रखा ही गया था नज़रबंद किया गया था एडमिट भी नहीं कह सकते क्योंकि मैंने कुछ इलाज वगैरह नहीं लिया था वहाँ जो रसड़ा का सरकारी अस्पताल है वहाँ पर और वहाँ पर भारी कस्टडी में मुझे रखा गया था तो रसला में भारी कस्टडी में रखा गया था तब मैंने इनका वीडियो किया था दोस्तों मेरे चैनल पर चल रहा है आप देख सकते हैं अचानक हम लोग चाय पीने में व्यस्त हो गए बाहर जा कर के और ये वहाँ से गायब हुए किन परिस्थितियों में गायब हुए और क्यों गायब होना पड़ गया देखिए गायब होने का मतलब कि मैं वहाँ से भगा नहीं था जब मुझे जो मेरे समर्थक थे वो लोग आए वहाँ और आने के बाद पता चला कि मुझे यहाँ से आ, जब बलिया से मुझे उठाया गया और जब मैं वहाँ अनुपस्थित हूँ फिर भी जिस आंदोलन को हमने छेड़ा था वो भव्य रूप लेकर के पहले मैं अकेला बैठा था अब ढाई सौ लोग वहाँ बैठे हुए हैं तो ये चीज़ें जब पता चली तो कहीं ना कहीं एक अंदर उत्साह आया एक जोश जगह कि नहीं मुझे वहाँ होना चाहिए मेरी जगह ये ये नहीं है और फिर मैंने अपने साथियों से बताया कि अब मैं यहाँ से निकलूँगा और वहाँ उन्होंने मेरे निकलने का व्यवस्था किया वहाँ से जो है कि हम लोग निकले बाइक से और अस्पताल से पाँच छः किलोमीटर की दूरी तक ही थे अभी तब तक पीछे से फ़ोन आता है कि आपके पीछे भारी पुलिस बल जो है कि लग गया है पुलिस बल का मतलब कि ज़िले के आला अधिकारी भी थे उसमें कुछ तो ये चीज़ें जब पता चली तो मैं वहाँ उतरा उतरने के बाद से क्योंकि मेरे पास कुछ पैसे वैसे भी नहीं थे फ़ोन भी नहीं था सब एक मिनट दोस्तों हम आपको बताते चलें कि जिस समय ये वहाँ से गायब हुए हॉस्पिटल से तो वहाँ एडिशनल एस साहब चार मिनट के अंदर उपस्थित थे सी ओ रसवाणा साहब उपस्थित थे एस डी एम रसवा साहब उपस्थित थे कोतवाल साहब उपस्थित थे और भारी पुलिस फोर्स इनके पीछे भागा जो कि विजुअल अभी हम आपको दिखा रहे हैं हाँ उसके बाद क्या हुआ कैसे पहुंचे बलिया बलिया पहुँचने का मतलब कि जब हम गए अमर से और उसके बीच में समरा के बीच में एक जगह है रामपुर तो हम लोग पीछे के रास्ते से गए रेलवे क्रॉसिंग से होते हुए गए क्योंकि आगे जो मेन रोड थे उस पर डर था कि कहीं पुलिस उठा लेगी और पुलिस पीछे से निकली भी थी बड़ा सक्रिय थी पुलिस तो मैं वहाँ गया वहाँ जाने के बाद फिर अपने जो साथी थे उनसे हमने बताया कि आप यहीं रुक जाइए क्योंकि आपकी गाड़ी का वीडियोज़ वगैरह बन गया है अगर हम लोग ऐसे जाएंगे तो कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे तो वहाँ रुके उनसे हमने कुछ पैसे मांगे मोबाइल लिए और लेने के बाद फिर मैं जब रेलवे क्रॉसिंग पार किया तो देखा कि पूरा पानी उन्नी लगा हुआ है फिर निकलना मुश्किल था रोड वोड था नहीं फिर उसी पानी में हिल करके खेत था खेत में हिल करके जैसे तैसे जो है कि सामने एक गाँव था वहाँ पहुँचे हम पहुँचने के बाद स्थिति ये थी अपनी कि सबसे पहले तो जा कर के ये बताना पड़ा कि मैं पागल नहीं हूँ क्योंकि अभी आप भी पागल ही बन हमने, हमने इसको पागल इसलिए बताया दोस्तों क्योंकि ये पागल लोग ही कर सकते हैं आजकल मेहनत करने वालों की कितनी कमी है कितने नौजवान हैं जो अपने घर के बेडरूम में बड़े आराम से बैठ कर के मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये अपने आप में पागलपन ही है कि दूसरों के लिए यानी कि आम जनता के लिए खड़े होकर के पुलिस की अभिरक्षा रहना दवाओं में रहना प्रशासन की उल्टी सीधी बातें सुनना और दूसरे लोगों का पागलपन इनका पागलपन देख करके दूसरे लोग भी आश्चर्यचकित थे ये लड़का वास्तव में पागल है क्योंकि इसको वहाँ जा के एक गांव से कपड़े भी मांगने पड़े क्योंकि बारिश के पानी से जब ये गुजर रहा था तो पूरी तरीके से ये भीग चुका था और भीगी हुई स्थिति में ये दोबारा जा करके स्थल पर नहीं बैठ सकता था मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ नहीं एक्चुअली थोड़ी चीज़ें हैं मैं भीगी हुई स्थिति में भी था ये था कि जो मैंने टी शर्ट पहना हुआ था उस उसमें बोल्ट वोल्ट लिखा हुआ था बलिया माल मांगे मेडिकल कॉलेज तो कहने के ये डर था कि प्रशासन मेरे भेषभूषा को देखी है ये मुझे पहचान लेगी तो मैंने अपना टी शर्ट जो है कि उतार दिया था मैं सेंडो गंजी पे था और भिगा हुआ लोवर था मेरे पास तो मैं गया तो बस ये बोला कि अब सेंडो गंजी है तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था मैं गया मैं जा करके बोला उनसे कि कोई अगर आपके पास कपड़ा हो तो आप मुझे दे दीजिए जिससे मैं अपना तन ढक करके और पुनः धरना स्थल पर जा सकूँ और उन्होंने मेरी मदद भी की अंदर से एक शर्ट वगैरह लेकर के आया मैं उसको पहना पहने बाद फिर जो है कि पुनः धरना स्थल पर बलिया के लिए पागल इस नौजवान को बलिया ने मदद भी दी और बलिया धरने स्थल पर पहुंचने के लिए किन किन विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा क्योंकि हम खुद गवाह हैं दोस्तों उस पूरे के पूरे सीन के कि पुलिस कितनी बुरी तरीके से इसके पीछे पड़ी थी और क्यों पड़ी थी क्योंकि लड़के ने तीन दिन से पानी नहीं पिया था प्रशासन के हाथ पाँप फूले हुए थे कि यदि ये लड़का मर गया या इसको कुछ और हो गया तो कहीं ना कहीं पूरे बलिया में लग जाएगी आग हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे अधिवक्ता संघ का हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे अपने चैनल के माध्यम से छात्र संघ का कि जिसने आगे आ के जैसा कि हमेशा से आप लोग आगे आते रहे हैं आगे आकर के इस लड़के का समर्थन किया इसका हौसला बढ़ाया और जरूरत है बलिया को और पागलों की इतने पागलों की जरूरत है कि बलिया की स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं पूरे बलिया को बदलने की जरूरत है दोस्तों कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट हमें कमेंट में जरूर बताइएगा मैं हूँ हूँ हरियम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ वन और यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज वन बहुत बहुत धन्यवाद